अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं दोबारा शारजा। अच्छा, आज हमें छोटे छोटे दो तीन काम है वो निपटाएंगे और उसके बाद थोड़ा शारजा घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि फजील हमारे साथ है तो फजील को थोड़ा सी चीजें दिखानी है। तो उसके बाद हम जाएंगे फजील के दोस्त से मिलने, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फजील को एक वीक से ज्यादा हो गया इधर आए और वो अपने दोस्त से अभी तक नहीं मिला। शारजा के लिए निकल चुके हैं, मौसम आज बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तक के लिए अच्छा है क्योंकि जैसी सिचुएशन है तो ये थोड़ी देर तक या शाम तक गर्मी होने वाली है दोपहर में। तो अभी जा रहे हैं जरा शारजा की तरफ, तो मिलते हैं आपसे शारजा जाके। शारजा हम पहुंच चुके हैं शाहनवाज भाई के पास। इस गाड़ी को थोड़ा सा इशू हुआ था, सीट वगैरह खराब थी, तो ये सीट वाले से शारजा में बहुत ज्यादा जलील हो चुके हैं, क्योंकि हम जिस काम के लिए आए थे वो काम तो हुआ नहीं है। इतना ज्यादा ख्वारी हो चुकी है, तकरीबन 9 बजे एग्जैक्ट हम यहाँ पहुँच गए थे और अब 2 बज रहे हैं लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। और फिर जो हमारे साथ आता है वो तो फिर बेचारा यही हाल होता है। तो फजील अभी थक चुका है, ये हम सिग्नल पे खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 किलोमीटर भी जाना है तो आपको आधा घंटा लग ही जाता है। तो इसके बाद हमें थोड़ा सा छोटा सा काम ये है कि हमने एक फ़ैन लेना छोटा सा, तो वो लेने जा रहे हैं या यूज़। तो जी, शारजा से हम आ गए थे गाड़ी का काम करवा के, तो अब हमने वो गाड़ी ड्रॉप कर दी है और अभी हमने ले ली है दूसरी गाड़ी। तो अभी डाउन टाउन आए हैं, तो यहाँ से हम अभी जा रहे हैं सीधा यहाँ पे एक दोस्त को मिलना है इंटरनेशनल सिटी में, तो वहाँ ही पे फिर जाके नाश्ता करेंगे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सस्ता नाश्ता हो जाता है और थोड़े पराठे अच्छे मिल जाते हैं पाकिस्तान वाले। तो अभी जा रहे हैं, तो ज़रा आप डाउनटाउन का व्यू इंजॉय करें तब तक। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे जो आपको बताया था, तो फजील बैठा और बहुत ज़्यादा रश हो गया है यहाँ पे, बहुत ही रश है आजकल। पहले गए तो संडे भी नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं पता क्या मसला है। तो फजील की आँख में दर्द हो रहा है, पता नहीं कोई चीज़ लगी है या क्या है। हम आगे थे नाश्ता करके, यहाँ पे हमने रेंट वगैरह इकट्ठा करना था तो यहाँ पे मुझे आना पड़ा। तो फजील भी यहीं पर है, ये यहाँ पे है जी, ये वाली बिल्डिंग डाउनटाउन, इसके पीछे बुर्ज खलीफा वो नज़र आ रहा होगा, ये वाली बिल्डिंग है सबसे पुरानी। यहाँ पे अपना एक फ्लैट है जहाँ पे हम काम करते हैं, और ये अपनी गाड़ी खड़ी, अब चलते हैं ज़रा बच्चों से मिलते हैं, जाके शोगर लगा। घर हम आ चुके हैं, ये लिफ्ट में आ चुके हैं, तो अभी हम आज का सारा काम कर लिया, लेकिन अभी फूड का बस टैंक जो अपनी उसमें थोड़ा सा एक इशू आ रहा है, उसको सॉल्व करवाने जाना है, उसका पार्ट एक ऑर्डर किया तो वो आ चुका है। तो ये बच्चे रीजा स्कूल से आ चुकी थी, तो अभी ये लोग ग्रॉसरी आए हैं, थोड़ा हम इनके साथ शुगर मेला लगाएंगे। ये इधर और लोग भी बच्चे अभी जिनको लेट छुट्टी होती है तो वो भी आ चुकी है बस इस बिल्डिंग की। तो मौसम है यूजुअल अच्छा ही है अभी तक यहाँ पे, क्योंकि मार्च अभी स्टार्ट होने वाले, तो मीन्स गर्मी स्टार्ट होने वाली है। तो ये अपने साथ फजील है और ये आपका भाई है, अभी बच्चों से थोड़ा शुगर मेला करते हैं, खिलाते हैं इनको, और इनको कुछ यहाँ पर इन्होंने भी लेना है, सॉरी वरीजा के लगी थी चोट तो वो बैंडेज लेने आई है। जामा हेलो। तो अभी दोबारा घर से निकले हैं, फोर्ड मस्टैंग का काम करवाना था, आपको बताया था कि इसका एक पार्ट मिसिंग है, तो वो अब आ चुका है, तो वो डलवाना है, क्योंकि उसकी वजह से ना इसकी अलाइनमेंट नहीं हो रही थी तो मस्ता कर रहा था। तो ये अभी हम पेट्रोल डलवाने के लिए खड़े हैं, इसमें पेट्रोल बिल्कुल एंड हो चुका है, जैसे आप देख सकते हैं ये चेक करें, बिल्कुल 0 किलोमीटर एम्प्टी हुआ पड़ा है। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेट्रोल डलवाते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं, क्योंकि अभी रश नहीं है रोड्स पे, बिल्कुल खाली रोड मिलेंगे, तो हम काम करवा के फिर जल्दी निकल आएंगे, क्योंकि अगर हमें 5 बज गए तो फिर आपको पता है कि 10 किलोमीटर भी यहाँ पे करना 1 घंटे के बराबर हो जाएगा। तो मिलते हैं आपको यहाँ पे, दिखाते हैं फोर्ड मस्टैंग बट 1965 मॉडल, और इसका पहला मॉडल आया था 1964 में। ये है जी 1965 मॉडल, 1964 में फोर्ड मस्टैंग की पहली गाड़ी आई थी, और ये है जी 1965, मतलब आज से आप लगा लें कि 35 और 55 साल पुरानी गाड़ी है ये। ये एक अंकल की है बेसिकली, यहाँ पे वो आया था चेक करने, तो 70 साल का वो इंडियन है, उसको क्लासिक गाड़ियों का शौक़ है, तो गवर्नमेंट यूएई की कर ये रूल है कि जो गाड़ी को 20-30 साल पुरानी है तो उसको एक यूनिक नंबर प्लेट देते हैं, ये इसकी जो नंबर प्लेट लगेगी उस पर क्लासिक लिखा होगा, तो ये यहाँ का एक बहुत अच्छा फैक्टर है। गाड़ी अपनी का काम हो रहा है अभी, इसका एक रैक एंड बोलते हैं उसको, टायर का वो ख़त्म था,
अपनी अपनी गाड़ी है और ये मैकेनिक भाई लगे हुए हैं। ये वाला जो पार्ट वो कर रहे हैं इसका ये ख़राब था, ये टेढ़ा हुआ होगा, बाकी ओके था, जिसकी वजह से ये इसकी अलाइनमेंट नहीं हो रही थी और गाड़ी का सेट थोड़ा सा राइट की तरफ जा रहा था। तो बाकी ये गैराज का नाम है इधर पावर हाउस, तो वो भी करवाते हैं इसका काम, फिर देखते हैं क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक गए सुबह से। तो जी गाड़ी अपनी एकदम ओके हो चुकी है, अभी अब इसमें कोई भी फाड़ नहीं बचा, तो अभी जाके इसका एक राउंड मारते हैं, अच्छा सा चेक करते हैं इसको, इसकी अलाइनमेंट हर चीज़ अब ओके हो चुकी है, तो फिर दिखाते हैं आपको भी अभी। तो जी गाड़ी वगैरह का काम करवा लिया हमने इनसे, मुर्शिद भाई, इनका नाम भी मुर्शिद है, कि मुर्शिद हमें बहुत दुख दिया गया। ओके ब्रदर, थैंक यू। हाँ तो जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल गाड़ी फिट हो गई है, अलाइनमेंट ओके हो गई है गाड़ी की, कोई मसला नहीं, अब इसके सारे मसले ख़त्म हो गए, बस इसमें एक छोटा सा मसला है लेकिन वो बाद में इसको भी सॉल्व करवाएंगे, लेकिन अब ये चेक करें बिल्कुल ओके, इसके अलाइनमेंट ओके है, टायर भी इसके नए डलवा लिए थे उस दिन, तो ऑलमोस्ट इस पर 1000 दरम खर्चा आ चुका है अभी तक, लेकिन गाड़ी बिल्कुल अब ओके हो चुकी है। तो जी अभी हम जा रहे हैं, आज ऑफर चल रही है पिज़्ज़ा हट पे, नहीं मानता, तो आज हम जा रहे हैं पिज़्ज़ा खाने, क्योंकि इधर आसिम ने आज टेस्ट पास कर लिया असिसमेंट, तो इसने बोला कि आज मैं खिला रहा हूँ आज, तो मेरी तरफ से पिज़्ज़ा है, तो नैनी भाई तो पास्ता बनाने लगे थे, लेकिन फिर इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि भाई पिज़्ज़ा खाने चलते, तो मैंने कहा चलो, हालांकि मैंने फुल खाया हुआ था, लेकिन फिर भी मैं इनके साथ जा रहा हूँ, मैं खाऊँगा नहीं, मेरा गला ख़राब है, तो अभी ये रास्ते में जा रहे हैं, तो मिलते हैं आपसे वहाँ जाकर। तो जी पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया इन लोगों ने, मैं यहाँ बैठा सारा नज़ारे इंजॉय कर रहा हूँ, इन दोनों को देख रहा हूँ, बस ये भी किस्मत में लिखा था और ये बैठे हुए, बाकी इंजॉय कर रहे हैं सिटी वॉक को, यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जी उस दिन बहुत से लोग पूछ रहे थे कि ब्लॉग में आपने दो दोस्त दिखाए थे, उसके बाद वो दो दोस्त आपके ब्लॉग में नहीं आए, तो उसके बाद से मैं इनसे मिला नहीं हूँ, आज मिला हूँ, तो ये बैठे हुए हैं, ये आसिम साहब हैं, ये जुल्कर नैन भाई इनका नाम है, ये दोनों जिम में उस दिन आपको दिखाया गया, तो इनका बेसिकली यहाँ पे जिम है जहाँ पे मेरा काम है। तो आसिम को आई थिंक कितनी देर हो गई मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पर, हाँ हमने जिम का सेटअप भी किया, 4 माह से जिम हमारा ऑपरेशनल है, यानी भाई मेरे साथ ही थे उस टाइम से। हाँ आसिम ने माशाल्लाह बहुत मेहनत की और उसी मेहनत के दौरान में इनको जुल्कनैन भाई ने ज्वाइन कर लिया था, तो दोनों ने मिलके इन दोनों बंदों की वजह से वो जिम है, हम जिम की भी आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे। सीन ये हो चुका है कुछ इस तरह की, उसने एक पिज़्ज़ा पहले बना के दे दिया जुल्कनैन का और आसिम का, अभी वो आया नहीं है, तो आसिम इस वजह साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे, काफ़ी परेशान है। तो आ जाएगा आसिम भाई हौसला, ओ ये देखे साथ ही आ गया, तो अभी आसिम के मुंह पे थोड़ी सी खुशी आई है, तो मुश्किल नहीं है। तो जी गाइस घर हम वापस आ चुके थे, रास्ते में मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था, तो काफ़ी अंधेरा था, तो इसलिए अभी घर आ चुके हैं, काफ़ी थक चुके हैं, जाके सोते हैं और फिर अभी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अल्लाह हाफिज़।